अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वो हम नाउन की टाइप्स पढ़ रहे थे, तो आज जो हमने टाइप्स पढ़नी है वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, जो हमने आज कंटिन्यू करना है। अब काउंटेबल कौन से होते हैं? जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल दैट वी कैन काउंट, बुक, पेन, एप्पल, बॉय वगैरह। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते, ऑयल, शुगर, गोल्ड या राइस या लीव्स, ठीक है। मतलब जो आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं, और जो आप काउंट कर सकते हैं वो चीज़ें काउंटेबल नाउन में आती हैं। काउंटेबल नाउन हैव प्लूरल फॉर्म व्हाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। फॉर एग्जांपल, वी से बुक, वी कांट से मिल्क्स, ठीक है। मतलब जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके प्लूरल होते हैं, ठीक है, और जो नॉन काउंटेबल नाउन होते हैं उनके प्लूरल नहीं होते। जैसे राइस का राइसेस आपने कभी नहीं सुना होगा, मिल्क का मिल्क्स आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। बुक्स आपने सुना होगा क्योंकि वो काउंटेबल है, ठीक है। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन की क्वालिटी में या उसकी खूबी में कोई इजाफा करता है। जैसे सीता इज अ क्लेवर गर्ल, गर्ल ऑफ व्हाट काइंड, ये अब हम सीता के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह की लड़की है। आई डोंट लाइक दैट बॉय, अब उसने बताया कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, ठीक है। उसने पूछा था विच बॉय, दैट बॉय, ही गेव मी 5 मैंगोज, उसने मुझे 5 आम दिए, हाउ मैनी मैंगोज, मीन्स कि उसने नाउन को, मैंगो को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, उसके बारे में हमें बताया और इन्फॉर्मेशन दी है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इन सेंटेंस वन, क्लेवर शोज वट काइंड ऑफ गर्ल सीता इज, इसमें हमें पता, क्लेवर जो एडजेक्टिव है, जो बोल्ड है, ये एडजेक्टिव है, इसने हमें बताया था कि सीता किस तरह की लड़की है, ठीक है। इन सेंटेंस टू, दैट पॉइंट आउट विच बॉयज मीन, मतलब कि किस लड़के को हमने मुखातिब किया हुआ है सेंटेंस टू में, हमें वो पता चल रहा था। और सेंटेंस थ्री में हमें पता चल रहा था कि कितने मैंगोज मीन्स के मौजूद हैं। अ वर्ड यूज विद द नाउन टू डिस्क्राइब द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग विद द नाउन नेम्स और टेल्स द नंबर और क्वालिटी या क्वान्टिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी को बताए, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द लेजी बॉय वाज पनिश्ड, द बॉय इज लेजी। अब मीन्स कि जो लेजी वर्ड है ये बॉय को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो लड़का है वो लेजी है। इन सेंटेंस वन, द एडजेक्टिव लेजी इज यूज अलॉन्ग विद द नाउन बॉय एज एन एपिथेट, मीन्स कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको उसकी डिटेल बता रहे हैं हमें। इट इज़ देयरफॉर सेड टू यूज एट्रीब्यूटिवली, मतलब कि एट्रीब्यूट्स, मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स आपको उसकी कोई खसूसियत बता रहा है। उसमें चूंकि बुरी आदत है कि वो लेजी है, तो ये उसका बैड एट्रीब्यूट है। इन सेंटेंस टू, द एडजेक्टिव लेजी इज यूज अलॉन्ग विद द वर्ब इज एंड फॉर्म पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे प्रेडिकेट क्या होता है। इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी यूज प्रेडिकेटिवली, ये आगे मैं आपको बताऊँगा।